हर आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, ये वीडियो टीआरई 3 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखिएगा, एक से दो दिन पहले मैं वीडियो बनाया था जिसमें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को एक नोटिस किया था और अब सीएमओ के द्वारा यानी सीएमओ ने भी एक नोटिस किया है। नोटिस क्या किया है, अभ्यर्थी लगातार जो डिमांड कर रहे हैं कि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही ना हो साथ ही साथ ये व्यवस्था किया जाए कि 87,774 जो पद है टोटल पद पर रिजल्ट दिया जाए। और अभी आप एनटीपीसी में जाइएगा तो उसमें जिस तरीका से व्यवस्था है कि सबसे पहले लेवल 6 भरा जाता है, उसके बाद लेवल 5 भरा जाता है, उसी तरीका से लेवल 2 तक भरा जाता है। तो क्यों ना ऐसा व्यवस्था किया जाए, क्यों ना ये भी बीपीएससी अपने में प्रक्रिया करे, शिक्षा विभाग अपने में सुधार करे और इस तरीका से काम करे। एक विद्यार्थी जो कि लगातार कई सारे विद्यार्थी ये भेजे हैं, लेकिन मैं सभी विद्यार्थी से निवेदन करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप कोशिश करें कि आप भी मेल करें। और मेल कहां करेंगे, सीएमओ को करेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को करेंगे, विपक्ष के नेता को करेंगे और उप मुख्यमंत्री को करेंगे, आपका काम बन जाएगा। आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सीएमओ के द्वारा शिक्षा विभाग को उस मेल को फॉरवर्ड कर दिया गया है और उनसे जवाब तलब की गई है। तो आप वीडियो को देखिए, आपका काम जो आसानी से हो जाए उसके लिए ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी लोग एक एक एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन में क्या लिखें कि टीआरई 1 में बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी पकड़े गए, टीआरई 2 में बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी पकड़े गए, इसका मुख्य कारण यह था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ। इस दोनों टीआरई को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि टीआरई 3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए। देखिए ये विद्यार्थी क्या लिखे, देखिए लिखे हैं, सर प्रणाम, मैंने मेल किया था सीएमओ बिहार को टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के संबंध में। मेरे मेल को सीएमओ बिहार के द्वारा शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड किया गया, इसका मतलब क्या है ये जानना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब सीएमओ के पास कोई चीज भेजिएगा वह जिस विभाग से रिगार्डिंग होगा उस विभाग को भेजा जाएगा, कि इसमें आप संज्ञान ले, आखिरकार ये जो समस्या बताया जा रहा है इसकी यथार्थ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में आप संज्ञान ले। जब इस तरह का मेल बार बार जाएगा तो आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगेगा कि क्या हो रहा है, कितना मेल मेरे पे आ रहा है। और खासकर अभी चुनाव है, आप यदि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 मेल कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम ही नहीं बनेगा आपका भविष्य बन जाएगा। मेरा यही निवेदन है, बहुत सारे लोग इसमें यह लिखेंगे कि आप तो डेली एक एक दो दो वीडियो लेकर आ जाते हैं, आप कमा लेते हैं। अरे भाई आप भी कमाइए ना, मेल करिए, आप नौकरी लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ये इन सारा दिमाग से थोड़ा सा ऊपर उठिए, इन सारे सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। आपको शिक्षक बनना है, आप अपने सोच को बेहतर कीजिए। आप इसी तरीका से लुच्चा लफंगा जैसा सोच रखिएगा तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूं, हमेशा स्टूडेंट के साथ रहता हूं, स्टूडेंट के हित में रहता हूं। तो इसलिए ऐसा ना करें कि सब लोग अब आपको छोड़ दें, आप सिंगल बच जाएं। कोई ऐसा चैनल पूरे बिहार में बताइए जो केवल स्टूडेंट के लिए काम करते हो, उसमें सबसे पहले आपको एग्जाम टूर का नाम आएगा। व्यूज से कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आपकी यथार्थ बात को उठाया जाता है। देखिए क्या है, इस बात को समझेंगे साफ, ये विद्यार्थी सीएमओ को किए हैं, सब कुछ एक एक स्टेप में क्या देखी लीजिए, यहाँ पे सब कुछ किया गया है। 3 अक्टूबर 2024 2:03 PM पर किया गया था। यहाँ पे देखिएगा महोदय, टीआरई 1 में 1,22,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया था, लेकिन रिजल्ट मात्र 94,000 पदों पर दिया गया। देखिए आप भी इस तरीका से कर सकते हैं, आप जब लगातार करिएगा, आप लोग का संख्या बहुत है, लगभग 6 लाख के आसपास है, मैं तो कह रहा हूं 1 लाख आप करके देखिए आपका काम बन जाएगा, कहीं कुछ करने से कोई नहीं। आप एक बार याद होगा आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी अब दिल्ली में थे, केवल एक विद्यार्थी उनके पास जाकर चिल्लाते हैं सर सर सर, वह गाड़ी रोकते हैं और बीपीएससी का एग्जाम डेट बढ़ा देते हैं। यदि उनके कानों तक सब कुछ बात पहुंच गया तो वह आपका काम 100% कर देंगे। काम मैं इसलिए विश्वास करता हूं ताकि 25 में चुनाव है, कोई नहीं चाहेगा कि किसी को चुनाव में नुकसान हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक प्रयास और कीजिए, इतना प्रयास तो आप किए, एक मेल वाला प्रयास कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। एग्जाम टूर का केवल मकसद होता है कि आपका काम हो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ आपको मानता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित स्टूडेंट के लिए मैं कर दिया हूं। बस आप एक बार देख के तो देखिए, आप नजरिया बदल के तो देखिए, बस मेरा रिक्वेस्ट यही रहता है, एग्जाम टूर को एक बार सब्सक्राइब करें, लोगों को जरूर बताएं कि यदि सही खबर चाहिए, आप अपने हित वाला खबर जानना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए खबर जानना चाहते हैं
तो आप जरूर एग्जाम टूर को सब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि बैकलॉग की जो सीटें खाली है उसको भी टीआरई थ्री में ऐड कर दिया जाए। आप सोचते हैं कि कुछ लोग आके बोल लेते हैं उससे हो जाएगा, कुछ नहीं, एक नोटिस लिखेंगे, एक शाम तक में वीडियो बनाएंगे, बीपीएससी का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, व्यूज आ जाए। उन लोग का ये बस काम है, क्यों ना वो लोग जब जाते हैं तो क्यों ना शिक्षा विभाग में जाकर ये बात पूछते हैं, मंत्री जी से बात पूछते हैं, लगातार जब बात होती है तो क्यों ना पूछते हैं कि जब टीआरई वन टीआरई टू में ऐसा हुआ तो टीआरई थ्री में वेरिफिकेशन क्यों नहीं होगा। किसी के पास ये प्रश्न नहीं होता है, जब इंटरव्यू करते हैं तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। मैं भी एक बार इंटरव्यू किया था लेकिन मैं उन ऐसा प्रश्न कर दिया, यही प्रश्न मेरा था, पहला प्रश्न आप देखिएगा आपको याद होगा उस समय महोदय जब टीआरई, यही मैं प्रश्न किया था कि महोदय उस समय अतुल सर चेयरमैन हुआ करते थे, सर मैं यही बात बोला था 1,22,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी किए थे सर, आपसे मांगी गई थी। मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि सर जब किसी ने आपसे मांगा कि मेरे यहां इतना सीट खाली है, यानी 1,22,000 सीट खाली है, तो आप 1,22,000 पर रिजल्ट क्यों नहीं दिए। उसके बाद हाहाकार मच गया था, उसके बाद से मेरे ऊपर सभी लोग बरस पड़े थे। तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, मैं किसी से कोई प्रश्न फिक्स करके नहीं करता हूं। आप मुझे वीडियो दें या ना दें, मैं स्टूडेंट का जो प्रश्न है वह आपसे पूछूंगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए। चलिए तो ये विद्यार्थी देखिए क्या लिखे हैं, महोदय टीआरई टू में टीआरई टू में 1,22,000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, मात्र 94,000 सीटों पर रिजल्ट दिया गया, और उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट के कारण मात्र 73,000 नियुक्ति की गई। ये बात समझिए, बहुत मार्मिक बात है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि केवल सीट ऐड कर दिया जाए मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं, टोटल सीट पर जब तक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा आपका कल्याण नहीं होगा। यदि टोटल सीट पर रिजल्ट दे दिया जाए तो 5 से 10 अंक कट ऑफ कम हो जाएगा, वैसे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका अंतिम एज है, वैसे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा जिसके घर में सख्त नौकरी की जरूरत है। तो एक बार आप जरूर करें, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, एक बार आप जरूर करेंगे। 10 दिन का फास्टिंग था, उसके बाद आप जानते हैं थोड़ा सा आवाज लड़खड़ा रहा होगा, आवाज फ्रेश नहीं जा रहा होगा, तो आप जरूर मैनेज कर लेंगे। अगर देखिए उसके बाद जिसके कारण यहां पे देखिए 14,742 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना था लेकिन नहीं हुआ। महोदय टीआरई टू में 1,22,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, ये सारा चीज लिखा गया, इन सभी चीज को टीआरई वन के बारे में। उसके बाद यहां पर लिखा गया, देखिए साफ तौर पर बताया गया है कि यहां पे देखिएगा टीआरई वन और टीआरई टू में टेनिस शिक्षक बिना एनओसी के गृह जिला पाने के लिए टीआरई थ्री में आवेदन कर दिए हैं, यानी कि जिला उनको नहीं मिला है, अपना जिला नहीं मिला है, तो उसी पद पर सेम पद पर कोई 1-5 में, 1-5 में कोई, 6-8 में, 6-8 में कोई, 9-10 में, ऐसा कब तक चलेगा। वही विद्यार्थी को बार बार मौका मिलेगा, नए विद्यार्थी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये सब कुछ बताए हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी ऐसे अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं करें और उन पर कठोर कार्रवाई करें, यह भी लिखा गया। टीआरई वन टीआरई टू में चयनित शिक्षकों ने अच्छा जिला पाने के लिए एनओसी का यहाँ ग्रेड पे वाले नौकरी के लिए टीआरई थ्री में आवेदन किए हैं, टीआरई वन टीआरई टू में सेम क्लास के लिए टीआरई थ्री का रिजल्ट नहीं घोषित किया जाए, ये अच्छी बात है। और इन सभी नोटिस को देखने के बाद, इन अभ्यर्थी के गुहार को सुनने के बाद शिक्षा विभाग को सीएमओ के द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया है। देखिए सीएमओ कब तक उस पर जवाब मांगती है, क्या होता है। तो आप प्रयास करें कि आप एक मेल अपने जीवन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए एक मेल करें कि सर टीआरई वन में इतना भर्ती दी गई थी, अंतिम समय मात्र इतना ज्वाइनिंग कराया गया, टीआरई टू में इतना वैकेंसी दी गई थी, अंतिम समय में इतना ज्वाइनिंग कराया गया। तो इन सभी को देखते हुए और प्रतिदिन एक बात और लिखेंगे, और प्रतिदिन जो शिक्षा विभाग के द्वारा जांच चल रहा है, जो फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, वह जो बाहर निकल रहे हैं, उन सभी को संज्ञान में लेते हुए सर इस बार ऐसा किया जाए कि कम से कम टीआरई थ्री का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिया जाए और टीआरई थ्री में टोटल सीट पर रिजल्ट दिया जाए और टीआरई थ्री वन टीआरई टीआरई टू का जो बैकलॉग की सीटें हैं टीआरई थ्री में ऐड कर दिया जाए, इतना काम कर दिया जाए। सर देखिए आप पूछिए, आप पर संज्ञान लिया जाता है कि नहीं, आपके कामों को देखा जाता है कि नहीं। अभी नेट युग है, इस पर जितना आप काम करेंगे उतना आपके लिए। आप देखते हुए अगर रेलवे में 5 मिनट ट्रेन लेट हो जाए कोई मेल कर देता है, एक्शन आ जाता है। थोड़ा सा रेलवे में सफाई नहीं होता है, मेल कर दीजिए, एक्शन में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी एक्शन में आ जाया जाएगा, एक बार आप जरूर प्रयास करें। और